नमस्कार। समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, फिर ना पेट अपनी जगह पर आता है और न ही समय। मोटापा कुछ एक ऐसी बीमारी कि एक बार अगर तोंद बाहर आ गई तो उसका अंदर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तभी तो हम मोटापे में वर्ल्ड में तीसरे नंबर में हैं। व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। अब हमारी समस्या ये है कि वजन तो कम करना है पर खाने पीने की चीजें बंद करने का मन करता नहीं। दिल है के मानता नहीं। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद की वो 60 टिप्स जिसे आप करके अपना मोटापा मजे से दूर कर सकते हैं। नंबर एक, उद्वर्तन। उद्वर्तन का अर्थ होता है शरीर को रगड़ना या घसना। चना या जौ, ये दो में से किसी एक आटे को लेके उसमें अगर आप चाहें तो सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ी हल्दी भी मिला सकते हैं। इसे लेकर रोज स्नान से पहले अपने शरीर पे घसना है या रगड़ना है। आयुर्वेद में कहा है कि अगर आप रोज 10 मिनट चने या जौ के आटे को लेके उद्वर्तन करें, मतलब अपने शरीर पर घसें जहां जहां भी ज्यादा चर्बी है, तो एक महीने में 3 से 5 किलो से ज्यादा वजन आराम से कम हो सकता है। तो उद्वर्तन को कफ और चर्बी गलाने वाली दवाइयों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो रोज स्नान से पहले चना और जौ का आटा लीजिए और शुरू हो जाइए। वैसे भी एक कहावत है, मर्दनम गुणवर्धनम, तो शरीर को घसो और बॉडी की क्वालिटी बढ़ाओ। दूसरी चीज, उष्णोदक। पानी वजन कम करने की सबसे बड़ी दवा है। सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा पर सुश्रुत ऋषि ने एक कमाल की टेक्निक बताई है। आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसे गर्म करके चौथाई कर दीजिए, मतलब 250 ml। अब ये पानी सबसे कमाल की दवा है किसी भी तरह का मोटापा दूर करने के लिए। इस पानी को अगर आप धीरे धीरे पियेंगे तो ये आपका 70 किलो तक वजन कम कर सकता है। कैसे पीना है, एक घुट पानी ले लीजिए और उसे मुंह में घुमाइए ऐसे, और उस पानी को पीजिए। इस पानी में जितनी आपकी लार मिलेगी उतना ज्यादा आपका अच्छा हाजमा होगा और उतनी तेजी से आपका वजन भी कम होगा। तीसरी चीज, शहद या दही का पानी। शहद एक कमाल की दवा है मोटापा घटाने के लिए, पर शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ प्रयोग मत करना क्योंकि वो विष बन जाता है। तो शहद को या तो सादे पानी के साथ प्रयोग कीजिए या फिर दही का पानी, जब आप दही जमाते हैं उसके ऊपर का जो पानी होता है अगर आप वो भी पीते हैं तो वो सारे ब्लॉकेज को ओपन कर देता है और बहुत तेजी से चर्बी को कम करता है। तो या तो शहद का पानी या दही का पानी, ये फैट को घटाने के लिए बहुत सही फंडा है। चौथी चीज, जौ की रोटियां। हम में से बहुत से लोग गेहूं की रोटियां खाते हैं, पर गेहूं की रोटियां जिन्हें वजन बढ़ाना है, जिन्हें बॉडी बनानी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको अगर वजन कम करना है या चर्बी घटानी है तो आप जौ की रोटियां खाइए। जौ की रोटी अगर आप घी के साथ खाते हैं तो ये बहुत तेजी से चर्बी कम करता है। साथ ही साथ अगर आपको फैटी लीवर या एक्स्ट्रा चर्बी के कारण हृदय की और हार्ट की कुछ तकलीफ हो रही है तो जौ बहुत अच्छी दवा है, इसका प्रयोग पक्का करके देखिए। पांचवी चीज, आयुर्वेद में खाना खाने की बहुत सारी टेक्निक्स बताई है। उसमें से एक टेक्निक ये है कि आपको जितने भी भूख लगी है उसका 50% आप सॉलिड खाइए, जैसे कि रोटी, चपाती, पराठे, चावल, ये सब सॉलिड वस्तुएं खाइए। 25% आप लिक्विड वाली चीजें यूज कीजिए, जैसे रसेदार सब्जियां, दाल, छाछ, मट्ठा, पानी, और 25% आपके पेट को खाली रख दीजिए। अगर आप खाना खाते समय आयुर्वेद की इस टेक्निक का पालन करते हैं तो आपका बहुत तेजी से वजन कम होगा। साथ ही साथ लाइफस्टाइल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं आप उससे जिंदगी भर बचे रहेंगे, तो इस टेक्निक का प्रयोग जरूर कीजिए। नंबर 6, एक और आयुर्वेद में ऐसी टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है ज्यादा चबाओ वजन घटाओ। इस विधि में खाने के एक टुकड़े को 32 से 40 बार चबाने के लिए कहा जाता है। इससे ये होता है कि जब आप भोजन को चबाते हैं उसमें आपकी लार बहुत अच्छे से मिक्स होती है, तो वो अच्छे से चबाया गया भोजन बहुत तेजी से वजन कम करता है। आजकल लोग ऐसे खाना खाते जैसे उनके पीछे कोई गब्बर सिंह डाकू, शेर या बाघ पड़ा हो। एक चीज का ध्यान रखिए, आप जितनी जल्दी जल्दी खाना खाएंगे उतना ज्यादा आपका मोटापा बढ़ता चला जाएगा। तो खाना मजे से चबा कर खाओ ताकि वजन कंट्रोल में रहे। सातवीं चीज, अगर आप चाहते कि आपको कभी मोटापा नहीं आए तो दिन में कभी नहीं सोना। दिन में सोने से बहुत तेजी से वजन बढ़ता है, तो दिन में सोना उनके लिए अच्छा है जिन्हें अपना वजन बढ़ाना हो, पर अगर आपको अपना वजन कम करना है तो दिन में भूल कर भी नहीं सोना। और भाई, वजन अगर कम करना है तो थोड़ा सा व्यायाम कर लो, थोड़ा चल फिर लो, थोड़े से प्राणायाम कर लो, कुछ सूर्य नमस्कार कर लो। आप भी जानते हैं कि फिट रहने का मजा एक अलग ही होता है। एक और टिप, पतला होने के लिए तीखा, कड़वा और कसैला, ये 3 स्वाद बहुत फायदेमंद है। इसका सेवन ज्यादा करें
और मीठा, खट्टा और नमक, इनसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। 1 ग्राम नमक 62 ग्राम से ज्यादा वजन बढ़ा देता है, तो नमक से दूरी ही भली। आजकल सोशल मीडिया में या वीडियोस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं 10 दिनों में 15 किलो वजन घटाइए, 20 किलो वजन घटाइए। एक बात का ध्यान रखिए कि मोटापा जितने धीमे धीमे आया है वो उतने ही धीरे धीरे जाए तो ज्यादा अच्छा। बहुत तेजी से वजन कम करना आपकी किडनी, हार्ट और जॉइंट्स के लिए बहुत तकलीफदायक हो सकता है। तो भाई, वजन कम करना है तो हौले हौले इन टिप्स का पालन कीजिए और शरीर कायम रखिए।